एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में आप सबका। हम चर्चा करेंगे आखिर देश में इतनी ज़्यादा अनाज सड़ रहा है, लगातार ये बातें उठाई जा रही है। नेता हो, पार्टी के नेता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, किसान हो, ये मांग लगातार उठ रही है, लेकिन जो भंडारण क्षमता है ये बढ़ाने में बहुत ही विफल रही है तमाम सरकारें। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या उद्देश्य उदासीनता है, क्या कारण है लगातार आज भी पार्लियामेंट में भी नेता विपक्ष ने इस मसले को उठाया? कांग्रेस की सरकार कभी भी किसान की भलाई के लिए आज तक थिंकिंग ही नहीं किया, सोचा ही नहीं। भारतीय भारत में कृषि प्रधान देश है, और आम किसान के लिए जो किसान के बल पर सारे लोग जो भी हैं, चाहे बड़े हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब लोग तो खाते ही अनाज ही हैं, लेकिन उसके बारे में कभी नहीं सोचा गया। यदि छोटा छोटा जगह पर हर ब्लॉक में हर गांव स्तर पर यदि गोडाउन बना करके जो उत्पादन होती है, किसान के लागत मूल्य कम से कम निर्धारित कर देना चाहिए जो आपको मूल्य इतना मिलेगा सरकार की तरफ से, और उसके आधार पर गोडाउन में माल खरीद करके रखने का काम करे, फिर जाकर के देश दूसरे देश में भी बेच सकते हैं। लेकिन एक तरफ देखते हैं कि गरीब भूखे मर रहा है, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि अनाज सड़ रहा है, अनाज को देखने वाला कोई नहीं है। बाहर 20 करोड़ लोग अन्न के कारण उनके बहुत ज्यादा अन्न के लिए तड़पते हैं। दो शाम के खाना नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। ऐसे देश में अनाज सड़ रहा है, अनाज सड़ रहा हो, ये शर्म का नहीं तो और क्या है? और अभी तक किसको शर्म करना चाहिए इसके लिए? सरकार को शर्म करनी चाहिए, सरकार को इस पर तत्काल इस पर उपाय सोचना चाहिए, और तत्काल इसका किसान को और गरीब के बारे में सोचना चाहिए। जो रात दिन मेहनत करके फसल उपजाते हैं और वह फसल सड़ जाता है, समझिए कितना गलत बात है। किसान क्या सोचते होंगे? हुसैन साहब, ये बहुत ही गंभीर मसला है, राजनीति से अलग है लेकिन कहीं ना कहीं देश के सीधा सीधा फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, अनाज से जुड़ा हुआ है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है, तमाम देश हर एक इंसान से जुड़ा हुआ है। ऐसी उदासीनता क्यों है? उदासीनता नहीं है, बल्कि कई जगह बड़े पैमाने पर गोडाउन बनने चाहिए, इसी सरकार ने पॉलिसी की है। पवार साहब ने इसके बारे में पार्लियामेंट में ये बात कही है कि कर्जा दिया जाएगा, आपको जो जो सुविधा चाहिए वो दी जाएंगी, और प्राइवेटली लोगों ने गोडाउन बनाने चाहिए, ऐसा भी उन्होंने किया है, बल्कि सरकार भी बना रही है। और आप जानते हैं ये तथ्य एक ऐसा तथ्य है कि जहां 20 करोड़ लोग जहां अनाज की कमी से सीधा सीधा जूझते हैं, जहां देश में इतनी भारी मात्रा में अनाज सड़ रहा हो, जहां भूखमरी की ये स्थिति हो, वहां सरकार की ऐसा इस तरह का रवैया, इस तरह का रुख, ये कैसा एक सांसद के नजरिए से आप देखें, एक नागरिक के नजरिए से देखें आप? ये जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि लोग अगर भूखे और अनाज सड़ रहा है तो गलत बात है, और उनको बांटने के लिए तैयार नहीं है सरकार। इसलिए तो एक डिसीजन लिया गया है जिसके लिए सोनिया जी का बार बार कहना ऐसा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट आना चाहिए। वो फूड सिक्योरिटी एक्ट तो अप्लाइए लेकिन फूड को तो सिक्योर करिए। यहाँ तो फूड सिक्योरिटी एक्ट से पहले फूड सिक्योर करने की जरूरत है, जो अनाज आपका सड़ रहा है उसको पहले सिक्योर करिए। आज ये सवाल क्यों आया है ये भी सोचना चाहिए। 4% से भी कम अनाज की पैदावार होती है, इस वक्त 6% तक गया है, यानी 1.5 गुना हो गया है, और उसकी वजह से बड़े पैमाने पर अनाज आने के बाद उसका जो स्टोरेज की जो ये थी फैसिलिटी थी, वो स्टोरेज की फैसिलिटी कम हो गई है। इसकी वजह से आप जो बोलते हैं सड़ रहा है वो सही बात है, लेकिन वो अनाज लोगों तक लेके जाने की कोशिश भी बड़े पैमाने पे हो रही है। 35 किलो UPA 2 सरकार जब से बनी तब से समझिए फेल्योर सरकार है, जनता के विश्वास खो चुकी है। और अभी तक हम लोगों ने सदन में कितना बार इस पर हंगामा किए, कितना बार बहस चली, लेकिन उसके बाद भी एक भी कार्य अभी तक नहीं हुआ, एक भी गोडाउन अभी तक कहीं निर्माण नहीं हो पाया। तो सरकार के चाहिए कि युद्ध स्तर पर गोडाउन के निर्माण करावे, और किसान के जिस तरह से सोना के रेट 1962 में 300 रुपये था, 10 ग्राम का 300 रुपया था, उसी के आधार पर अनाज का भी कीमत किसानों को मिलना चाहिए, तभी किसान सफल किसान होगा और किसान की स्थिति सुधरेगी। किसान की स्थिति बहुत ही बदतर होती जा रही है धीरे धीरे,
क्योंकि उसका कीमत नहीं मिल रहा है। सोने के आधार पर जिस तरह सोना का रेट बढ़ रहा है, उसी तरह से उसके फसल का रेट, उसका जो उपजा हुआ फसल है उसके रेट पर सरकार को खरीद करके गोडाउन में रखे या विदेश बेचे, लेकिन उसका मापदंड निर्धारित होना चाहिए अनाज के, जो यह रेट किसानों से खरीदा जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया, चूंकि किसान के हित के बारे में सोचा ही नहीं गया अभी तक। किसान के हित के बारे में वाम दल के नेता गुरदास गुप्ता और जो शरद यादव जी ने क्या कहा, पहले आपको हम दिखाते हैं। जिम्मेदारी किसका है, ये साफ चीज है, सरकार का है। हिंदुस्तान को सरकार का जिम्मेदारी पूरा है। आज से नहीं, 10 साल से हम लोग पार्लियामेंट पे सवाल उठाते हैं। जब बम्पर क्रॉप होती है, जब प्रोक्योरमेंट अच्छा होता है, तब गोदाम में रखने के लिए कोई स्पेस नहीं है। सरकार FCI का कुछ थोड़ा बहुत गोदाम है, थोड़ा बहुत गोदाम इन्होंने किराए पर लेते हैं, लेकिन पूरा गेहूं और चावल का बारिश से रखा करने के लिए कोई इंतजाम सरकार नहीं कर रहे हैं। कमजोर नहीं, निकम्बी सरकार का काम चल रहा है हिंदुस्तान में, और निकम्बी सरकार का काम चलने का कारण जनता के ऊपर इसका असर हो रहा है। कोई सूबा नहीं है जो गेहूं का इलाका है उसमें हाहाकार है, और खलिहान में फसल खड़ी है और उसको रखने के लिए कोई जगह नहीं है, और सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं लगती है। बोरे हैं नहीं हैं, पुराने बोरे इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं। ऐसी हालत जो है वो इतनी गंभीर है कि देश जो है वो इतने बुरे खाद्यान्न संकट में आने वाला है कि इसकी कल्पना करना कठिन है। इसकी कल्पना करना वाकई मुश्किल और कठिन है। लेकिन शरद जी समेत तमाम वामदल के नेता और हजारे साहब बैठे हुए, इनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि ये क्या जब आज़ादी के बाद से जो सरकारें, क्या कांग्रेस की सरकारें बनी है, क्या अन्य सरकारें नहीं बनी है, अन्य सरकारों ने क्या किया है? नहीं, अन्य सरकारों में चौधरी चरण सिंह जी की सरकार बनी, उसके बाद BP सिंह जी की सरकार बनी। इन लोगों ने भरसक प्रयास किया, उस समय में इतनी अनाज नहीं उपजती थी जितना अनाज आज उपज रहा है। इंडिया की सरकार भी वाजपेयी जी की सरकार रही? नहीं, वो लोग भी कोशिश, कितना अनाज सब लोग कोशिश करते हैं, तमाम लोग करते हैं, अनाज इतना नहीं सर रहा था। आप ये कह के कि सरकार की जिम्मेदारी है, आज देखिए तो कहीं भी फील्ड में रखा हुआ है, ऊपर से तिरपाल रख देता है, तिरपाल हट जाता है, तिरपाल को ढकने वाला कोई स्टाफ नहीं मिलता है। इतनी स्टाफ की कमी है FCI में, जो FCI में जाइएगा जहां स्टाफ 500 की कमी है वहां 5 स्टाफ है। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी उसके। हुसैन साहब, आपसे हम आखिरी शब्द जानना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि अभी तक ये चर्चा हो रही थी कि अनाज नहीं है, अभी अनाज है, अभी सड़ रहा है, अनाज है, भूखे हैं, भुखमरी है, लोगों तक जाना चाहिए, ये बिल्कुल बराबर है। लेकिन आपके त्रासदी है, आपके और इनके मालूमात के लिए बताता हूँ, अनाज का बंटवारा करना ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, ये और गोडाउन सेंट्रल बना रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके पवार साहब का नाम लेके मैंने बोला कि उन्होंने स्कीम बनाई है, वो गोडाउन हो रहा है। पर ये भी सही बात है कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसका इंतजाम करना जरूरी है। ये पूरा आम जनता के बीच में बांट दिया जाए, लेकिन भारत सरकार कोर्ट के भी अवहेलना किए, भारत सरकार कहीं भी कोई गरीब आदमी का अनाज देने के लिए तैयार नहीं हो, उसके लिए भी बहुत सारे लोगों का विरोध है। नहीं, कहीं कोई हालांकि सोनिया जी बोल रहे हैं बांटिए 35 किलो अनाज लोगों को जाना चाहिए, गरीबों को, ये एक तरह से दबाव कर रही है, और दूसरी तरफ कुछ लोगों का विरोध भी है ना उसमें। चलिए, उम्मीद सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि चाहे वो राज्य की सरकारें हों, चाहे केंद्र की सरकारें हों, चाहे किसी दल हो की सरकार हो, ये काम प्राथमिकता से करने की ज़रूरत है। फिलहाल हजारे साहब आपका और हुसैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।